हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल। नमस्ते, हेलो जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप। आज का टॉपिक है व्हाट इज़ लाइफ होल्डिंग फॉर यू नेक्स्ट, आगे लाइफ में क्या होने वाला है। टेरर्स हैं, ऐसा तो नहीं ना कि सब कुछ एज इट इज़ होता है जैसा हम सोचते हैं, है ना। बट फिर भी कुछ चीज़ें फिक्स्ड होती हैं जो हमें पता है होनी है। जैसे हम लोग बुरे को लेकर आजकल लोग इतना श्योर रहते हैं कि बुरा हो रहा है, बुरा हुआ था, ऐसे अच्छे टाइम को भी लेकर हमेशा श्योर रहना चाहिए। जैसे बुरा टाइम आता जाता है वैसे अच्छे टाइम का भी नंबर आता है। हम क्या करते हैं ना, फेथ नहीं रखते, और जब हम फेथ नहीं रखते प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी तभी से स्टार्ट। और आज हम कार्ड कौन से रखते हैं ये सोच रही हूँ, ठीक है जी। क्योंकि डेली योगिनी कार्ड्स रखे जाते हैं, क्या हम आज भी योगिनी कार्ड्स रखें। बट आज मैं रियली चाहती हूँ कि योगिनी कार्ड्स जो हैं वो अलग गाएँ थोड़ा सा। लाइक एक विचित्र योगिनी है जो कि मेरे कार्ड में बार बार आती है, बाकी कार्ड्स दिखते नहीं हैं। ये लीजिए, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 3, ठीक है जी। ये हैं आपके कार्ड्स, कर लें आप इसमें से चूज। ऑरेंज सेकंड में, ग्रीन आज फर्स्ट में, और ये आज ब्लू थर्ड में। आपको जो भी पाइल अट्रैक्ट करे, जो भी पेबल अट्रैक्ट करे, स्टोन, आप उसको चूज कर सकते हो। करें आपकी रीडिंग स्टार्ट। व्हाट इज लाइफ होल्डिंग फॉर अस। चलिए, ये ग्रुप नंबर 1, जिन्होंने भी आपका फर्स्ट कार्ड चूज किया है, देखें आपकी लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है। हो सकता है इस पाइल में लोग जो हों वो कम एज ग्रुप के हों, लेस देन 30 हो सकते हैं ऑफ देयर एज। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हैं लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, मटेरियल लाइफ में। एम्बिशियस बहुत है ये वाला जो पाइल है ना, वो एम्बिशियस बहुत है और उतना ही ओपन हार्टेड भी है। चलिए, ओके, नर्मदा योगिनी, दैट इज़ वाई आपका ये कार्ड आया है। कुछ कार्ड ना इतने फिक्स है ना मेरी रीडिंग में कि वो उन्हीं कार्ड्स को ही आना है। मैं 64 में से ना ऐसे कार्ड्स हैं कि कुछ वही कार्ड आएंगे, जैसे ये नर्मदा योगिनी यूजुअली आती हैं। मैं ये सोचती हूँ कि मुझे और कार्ड्स के भी दर्शन करवा दो। 7, 7, पानी की तरह रहना है आपको, नदी की तरह। नदी क्या करती है, लाइफ में कितने भी ऑब्स्टेकल्स आएँ, कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, कुछ भी हो, वाटर का जैसे फ्लो रुकता नहीं है ना, आपका फ्लो नहीं रुकना चाहिए, भागना है। चीज़ों को पीछे छोड़ के जो कुछ भी हो रहा है, हुआ है, बस आगे की तरफ जाना है, भागना है। क्योंकि ना तो हमारे सोचने करने से पहले कुछ हुआ था, ना हो रहा है, तो बेटर है हम लाइफ के फ्लो के साथ बढ़े। जो जब काम करने को मिल रहा है, सोच आ रही है, उसको इम्प्लीमेंट साथ के साथ करते। कुछ लोगों का ना ब्रेन ऐसा ही होता है, एकदम चीज़ क्लिक करती है, उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दो तो अच्छी रहेगी, अगर नहीं किया तो लाइफ में कुछ नहीं है। उनका ना ग्रोथ ही ऐसे होता है, या तो एकदम से ग्रो करेंगे या तो सबसे पीछे रहेंगे, कुछ नहीं है। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ है यहाँ पे। ग्रुप नंबर, देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया। देखिए, अगर आप लोगों ने सक्सेसफुल होना है ना इस वाले ग्रुप के लिए, व्हील ऑफ फॉर्चून ऐसे है आपके साथ, आपका ऐसा ही रहेगा। अचानक से या तो भाग्य खुलेगा, नहीं तो बंद रहेगा। क्यों होगा वो भी, जब आप कहते हैं ना भाग्य को चकमा देना, कोई ऐसे काम करना जिसके ऊपर आपने बहुत सोचा नहीं हुआ है, जैसे ही आप चीज़ों को सोच विचार कर करोगे ना, नहीं ये चीज़ ऐसे होगी, वैसे होगी, फिक्स्ड होगी, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, मुझे नहीं लगता वो प्लान्स आपके लिए कभी सक्सेसफुल होते होंगे। ग्रुप नंबर 1, देखिएगा कि आपके प्लान्स ऐसे सक्सेसफुल होते हैं जिसके लिए आपने बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, बहुत प्लानिंग की है, प्रिपरेशन की है। जो चाहते हो उससे रिवर्स होता है। इनफैक्ट जो चीज़ों पे आप ज़्यादा सोचते हो ना, प्लान भी बनाते हो, मेहनत भी करना चाहते हो, जो आपकी दिल की ख्वाहिश है वही नहीं होंगी। और जिन चीज़ों पे आप सोचते नहीं होंगे ना, वो काम ऐसे ही हो जाते होंगे, पर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी हार्ट की डिज़ायर नहीं है। बेटर ये है भाग्य के चक्र के साथ चले, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ चले। लाइफ में क्या चाहिए, लाइफ अच्छी चाहिए ना हमें, बेसिकली लाइफ में क्या चाहिए, हैप्पीनेस हो, हेल्थ अच्छी हो, रिलेशंस अच्छे हो। तो ज़रूरी नहीं है कि हम जिन चीज़ों के साथ स्टिक हैं वैसा हों, हमें अच्छा चाहिए, वो चाहे हमें किसी भी फॉर्म रूप में मिले। एक्सेप्ट करना सीखें, एक्सेप्ट करोगे व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है। आने वाले कुछ टाइम में आप ये सोच लीजिए,
मुझे कुछ दिनों से जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, बृहस्पति देव, उनका कार्ड काफ़ी आ रहा है। जुपिटर प्लैनेट जो कि लक का है, एक्सपेंशन का है, नॉलेज का है, रिलेशनशिप में अच्छे होने का है, ये कार्ड काफ़ी आ रहा है मेरी रीडिंग्स में। डेली एक बार ऐसे ब्लेसिंग मुझे ये कार्ड मिलता है। सैक्रल चक्रा ठीक होने का कार्ड है, रिलेशनशिप अच्छे होने का कार्ड है। अगर आप इसको अपने उसमें करना चाहते हो ना, तो आपके लिए यही एक चीज़ है भाई, ज़्यादा किसी चीज़ को सोच समझ के मत करें। अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ली उठाई, काम किया, छोड़ दिया, भूल गए। आप जितना सोचोगे उतना आप सोचोगे चीज़ें लेट डिले हो रही हैं। आपके पानी की तरह बने, जैसे नर्मदा रिवर है, वाटर की तरह बने। देखिए, एक हाथ से आपको ब्लेसिंग्स दे रही है कि पानी का फ्लो ही ऐसा होता है। नेचर में जाएं, पानी को देखें, पानी कैसे रुकता है, क्या एक जगह पर रुकेगा तो सड़ जाएगा, स्मेल हो जाएगा उसमें, किसी के काम नहीं आएगा, हेल्थ इश्यूज होंगे, कोई बैठना नहीं पसंद करेगा, फिल्थी हो जाएगा प्लेस वो। त्रिशूल पकड़ा हुआ है कि तीनों आपको, ये नहीं अच्छा टाइम है तो रोते रहना है, बुरा टाइम है तो रोते रहना है, क्यों सोच के अच्छा और कैसे होगा, ये कब तक रहेगा, नहीं। तीनों टाइम में अगर आप देखोगे, अगर अपने इमोशंस को कंट्रोल करेंगे ना, आप पानी में रहते हुए भी स्टेबल हो जाओगे। और स्पेशियस ना, शुभ चीज़ें जो है ना, आप लकी हो कहीं ना कहीं आपके चार्ट में। अगर आप ये सोचते होगे, मैं खुद के लिए लकी नहीं हूँ पर दूसरों के लिए हूँ, कुछ लोगों का ऐसे होगा, क्यों? क्योंकि आपकी सोच की वजह से। आप हमेशा वो देखते हो जो खुद को दिखाना चाहते हो, कभी दूसरे एंगल से जाकर देखना ही नहीं चाहते चीज़ों को। तो वैसे देखिए कि आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप कितने पावरफुल हो। एरोप्लेन के साउंड, आई एम सो सॉरी अबाउट इट, लेट इट गो। ऐसे ही जाने देना है, काम पे फोकस करना है। आपके हिंड्रेंस बहुत आएंगे लाइफ में, तो जाने दीजिए ना, हर किसी के लाइफ में आते हैं, हम अकेले नहीं हैं। ऐसे सोचना है, खुद को मोटिवेटेड रखना है ऑलवेज। एक और आ गया प्ले, देखिए नेचर के साथ जितना नेचुरल रहेंगे, नेचर के साथ रहेंगे ना, जैसे देखिए क्या नेचर हमें क्या सिखाती है, दिन आ रहा है, रात भी आएगी, सर्दी आ रही है, गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी। ग्रेट, थर्ड प्लेन था ये, आई होप इसके बाद नहीं आए। हमें भी ऐसे बनना है। पता है जब ये चीज़ें लाइफ का पार्ट है तो हम बुरे टाइम से ही क्यों अफेक्टेड होते हैं इतना। हाँ जी, अभी भी प्लेन की आवाज़ पीछे ही है, क्या करें। अफेक्टेड नहीं होना है, थोड़ा पॉज लेना है, ब्रेक लेना है, फिर से चलना है। और फीमेल्स हैं तो खुद के ऊपर खास ध्यान दें, अपने अपीयरेंस के ऊपर, अपनी ब्यूटी के ऊपर, सेल्फ केयर के ऊपर, अपने चार्म को बरकरार रखें, अपने सोलर चक्रा को बरकरार रखें। लाइफ में कुछ भी चाहते हैं, अपना सोलर चक्रा अच्छा रखें, न्यू आइडियाज आए उनको इम्प्लीमेंट करें, खुद के ऊपर जितना ध्यान फोकस होंगे पॉजिटिव वे में। यहाँ सेल्फिश होने की बात नहीं की जा रही है, सेल्फलेस होने की बात की जा रही है। खुद का केयर, नर्चर, हेल्थ इश्यूज, इन सब का अपने ध्यान रखना है। जितना रखेंगे उतना लाइफ में फ्लो आएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून और रिवर दोनों का ही कहीं ना कहीं पे आपको बताया जा रहा है कि मीनिंग यहाँ पे एक है। देखते हैं आगे आपके कार्ड्स, ग्रुप नंबर वन। लाइफ की डायरेक्शन, हो सकता है आप लाइफ में कुछ अभी स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ भी, कुछ न्यू चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। मे बी कोई म्यूज़िक सीखना चाहते हो, कहीं जाना चाहते हो, कहीं कुछ ना कुछ तो है जो आप करना चाहते हैं, करिए। आप जो भी करना चाहते हैं करिए, क्योंकि नंबर 9 का कार्ड आया है, वो है आपका विश। आपकी कोई तो ऐसी विश है, कोई चीज़ें तो हैं जो आप ऐड ऑन करना चाहते हो, जो आप सीखना चाहते हो, जिसकी वजह से आप हैप्पी रहना चाहते हो। कोई भी चीज़ें जो आपको खुशी देती हैं उनको करिए, क्योंकि खुश रहने से लाइफ में खुशी आती है। सिंपल सी बात है, दुखी रहोगे तो सारे लोग वैसे ही रोंदू आएंगे लाइफ में। जितना खुश लोगों के साथ रहोगे, अच्छे लोगों के साथ रहोगे, आप हमेशा देखेंगे जैसे हमारी वाइब्स है ना, हमारा फ्रेंड सर्कल, ग्रुप, लोग भी वैसे ही होंगे। अगर आपके ऐसे है ना, डिस्कार्ड करना शुरू करिए। सबसे अच्छा ट्रिक है, ये ट्रिक मैंने पर्सनली यूज़ की थी। आपके लाइफ में जब ऐसे लोग रोंदो बहुत हो जाते हैं ना, आपको लगता है अरे मैं ऐसे नहीं थी, मेरी लाइफ में ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं जो मेरे सर्कल के साथ हैं। डिस्कार्ड करना शुरू करो और अकेले हो जाओगे कुछ टाइम के लिए, बट उसके बाद अच्छे लोगों में, क्रिएटिव लोगों में, जो लोग आइडियाज़ हैं जिनके लाइफ में, जिन लोगों में एनर्जी है, उनके साथ
अटैच होने की कोशिश कीजिए, लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। बहुत सिंपल चीज़ है, अब इसको करना, अब इसके लिए इतना कुछ नहीं सोचना पड़ता। तो आप ऐसा करें, हैप्पी रहें। कुछ भी हो रहा है, सपोज किसी ने, सपोज आपको लग रहा है कोई आपको अवॉइड कर रहा है, चीट कर रहा है, बात नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा, तो ठीक है, जाके बैग पकड़ेंगे उसके, नहीं ना। चलिए, आपके कार्ड्स आना चाहते हैं पर आते आते रुक जाते हैं, हमेशा ऐसे कुछ कहना चाहते हो फिर रुक जाते हो। अरे क्या बोलूं, ये देखिए फिर से वही कार्ड है। सेल्फ लव सीखना है लाइफ में, अगर आप चाहते हो ना भाग्य खुले, आपके लिए थीम यही है। मुझे नहीं पता कितने लोगों के साथ यहाँ पे मैच होनी है। पास्ट को लेके रोना नहीं है, ये हो गया, वो हो गया, ये नुकसान हो गया था, वो हो गया, अपॉर्चुनिटी छूट गई, कोई बात नहीं कर रहा, कोई आ रहा है जा रहा है, लव लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, ये सब रोंदू चीज़ों को लेके जब तक बैठे रहेंगे तब तक आपकी लाइफ में थोड़ा सा परेशानी रहेगी। पर मुझे ऐसा लग नहीं रहा आपका नेचर, आपका लग रहा है अगर आपके अंदर ना चार्म है, नेचुरल खुश रहना चाहते हो, लाइफ को दूसरे वे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की उसमें आ जाइए, जो अपने आसन के ऊपर बैठी है, क्वीन है, बट इसके पास ज़्यादा पोजेशंस नहीं होते, एक ही चीज़ होती है, सेल्फलेस, जो खुद को, सेल्फ लव जिसको आप बोलते हो, सॉरी मैंने पहले सेल्फलेस बोला ना, सेल्फ लव, खुद को एडमायर करना, अडोर करना, यही चीज़ें आपको आपके लाइफ में सक्सेस देंगी। दूसरों के नेगेटिविटी से खुद को दूर रखना है अपने, आप खुद दूसरों की नेगेटिविटी खुद के ऊपर हावी होने देते हो तो होती है, खुद को अच्छा दिखाकर, अच्छा बनकर, बनकर नहीं आप एक्चुअल में हो, इसलिए ऐसा करते हो। रिवर की तरह, रिवर क्या करती है, दूसरों का जो पानी है, पानी क्या करता है, दूसरों की हर तरह की गंदगी को अपने अंदर ले लेता है ना, तो गंदा हो जाता है। फिल्टर कैसे होता है, कैसे होता है, जितना बहेगा, जितना चलेगा, जितना छनेगा। अगर आप ऐसे हो तो खुद के अंदर ये वाली क्वालिटी भी लेके आइए कि आपको अफेक्ट नहीं होना है चीज़ों से। अगर आप ये व्हील ऑफ फॉर्चून जो सेंटर में आया है, अगर ये चीज़ आप चाहते हो, नेगेटिविटी से किसी की अफेक्ट नहीं होने दें, खुद को ऐसा स्ट्रॉन्ग शो करें ना, आप स्ट्रॉन्ग हो, आप अपने ब्रेन को अगर स्ट्रॉन्ग रखते हो तो ब्रेन के ऊपर इफेक्ट नहीं होने देते, तो आपका लाइफ में इफेक्ट नहीं आएगा आपके बॉडी के। सबसे पहले हम अपने ब्रेन को अफेक्ट होने देते हैं, परेशान होते हैं, चिंता में आते हैं, नींद नहीं आती, फिर आते हैं हेल्थ पे इश्यूज, फिजिकल बॉडी पे इश्यूज आते हैं, बीमार रहना, परेशान रहना, डायबिटीज़ रहना, पता नहीं क्या, यहाँ दर्द वहाँ दर्द। ब्रेन को अफेक्टेड नहीं होने दें किसी भी चीज़ से, जो आ रहा है निकालें, उसको निकालें, सफाई करते रहें, जैसे पानी का फिल्ट्रेशन होता है वैसे करते रहें। बास की चीज़ों में ये हो गया, वो हो गया, उसको लेकर बैठे नहीं। कैरो का मतलब क्या होता है, ये देखिए सन, सन का कार्ड है, सन का मतलब क्या, सीधा एकदम इसके नीचे आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून के नीचे। सन टैरो डेक का 1 9 10 10 10, ठीक है, लॉन्ग टर्म सक्सेस, हेल्थ, फैमिली, रिलेशंस, चीज़ों का सामने लाइट में आना, पावर, एक्शंस लेना, सिर्फ सोचना नहीं है। इस रिवर, ये सन, इनका एक ही मीनिंग है, आगे बढ़ना। व्हील भी हमेशा आगे बढ़ता, रुका रहेगा क्या, टाइम रुका रहेगा नहीं ना। सूर्य का मतलब क्या है, सुबह से स्टार्ट हुआ रात तक है उसका काम, रात को फिर वो टाइम दिया जाता है ताकि मून का भी टर्न आए। तो आपको एक्शंस लेने हैं अपनी लाइफ में, सूर्य जैसा तेज रखना है, जो कि आप में ऑलरेडी एक चार्म है, उसको पहचाने, उसके अकॉर्डिंग काम करें, अफेक्ट खुद को नहीं होने दें किसी भी तरह से। यू आर मेंट फॉर इट, आपके पास ऑलरेडी चीज़ें हैं तो क्यों नहीं हम उन चीज़ों का यूटिलाइज करें। सन का कार्ड आप, हो सकता है आप ये भी हो, यू नो, एक लीडर टाइप के हो, आपके अंदर वैसे ही क्वालिटीज हैं, आप अपने आइडिया से दूसरों को लीड कर सकते हो, क्रिएटिविटी से, आइडिया से, क्रिएटिविटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है अपनी, पर उसका यूटिलाइज करें, चाहे आप कुकिंग में कर रहे हो, चाहे आप ब्यूटिशियन हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, चाहे आप ज्वेलरी बनाते हो, कुछ भी क्रिएटिविटी एज ए साइड रोल अगर आप करेंगे तो उसका आपका जो मेन वर्क है ना, मेन लाइफ के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। राइट ब्रेन का यूज़ करें, जो अभी आपका अफेक्ट है राइट साइड ऑफ योर हेड, जहाँ पे आपने टेंशन परेशानियाँ पाल रखी है ना, वहाँ पे सारा उसको क्रिएटिविटी में लगा दो, नई नई चीज़ों में क्रिएटिविटी में लगा दीजिए, ठीक है जी। देखेंगे लाइफ में चेंज आ रहा है, हो सकता है कितने लोग देखेंगे, सपोज आप घर पे कोई चीज़ बना रहे हो, कितने लोग देखेंगे, घर के लोग तो देखेंगे, फ्रेंड्स को बता सकते हो, अप्रिसिएशन मिलेगी, क्या होगा उससे, पॉजिटिव वाइब्स जनरेट होंगी और पॉजिटिविटी क्रिएट होगी। पर आपको ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ तो फिर से परेशान, फिर से स्ट्रेस, फिर से चिंता, वो सब चीज़ों को छोड़ दें,
कुछ नहीं होगा उसे। ओवर थिंकिंग की आदत भी है आपके अंदर, क्योंकि जहाँ ब्रेन ज़्यादा होता है, इंटेलेक्ट ज़्यादा होता है ना, हुनर ज़्यादा होता है, अगर उसको कहीं पर हम इस्तेमाल नहीं करें तो ऐसे लोगों को ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनकी पावर को हम कहीं लगा नहीं रहे हैं ना। तो आपको अपनी खुद की पावर को कहीं पे लगाना है अगर आप लाइफ में ये वाली दो चीज़ें चाहते हैं, क्या व्हील ऑफ फॉर्चून सक्सेस, और ये आता है आपका हाई प्रिस्टेस का कार। एक चीज़ तो हम लोगों को सबको सीखना है, लाइफ में अच्छा बुरा हमेशा लगा रहेगा, इन दोनों के बीच में बैलेंस करना आना चाहिए हम लोगों को। इधर वाइट एनर्जी है तो इधर आपकी डार्क एनर्जी है। कैसा संभव है कि हमेशा दिन के 11, 12, 1 बजा रहे? पॉसिबल है आपकी एज सेम रहे, चीज़ें सेम रहे? नहीं ना, चक्र चलता है ना, हमें इसको एक्सेप्ट करना है। ये इतना सिंपल है, पर हम हमेशा जब बुरा सोचते हैं तो बुरा ही रहता है वो, हम एक्सेप्ट नहीं करते चीज़ों को। चीज़ें प्रोसेस में धीरे धीरे करके ठीक होती हैं, एक टाइम तक ठीक रहती हैं कुछ देर के लिए, फिर नीचे डाउन होना शुरू, फिर स्टार्ट होना शुरू। ये जिसने इस लाइफ की इस रूल को सीख लिया है ना, उसको चीज़ें ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेंगी। अपनी पावर में आए, स्ट्रेंथ में आए, यूटिलाइज करें अपनी पावर को, इंट्यूशन पावर को, अपने चार्म को। चीज़ें हैं आपके पास, बस आप यूटिलाइज करेंगे तो सक्सेस देख पाएंगे, तो स्पिरिचुअली तो लाइफ में आगे ग्रो कर पाएंगे। जो आप ग्रोथ चाहते हो वो आप लाइफ में ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है जी, क्या एक और कार्ड हम फेच करें या फिर रहने दें? मुझे लगता है इतने कार्ड्स काफ़ी थे आपके लिए, बट फिर भी एक और कार्ड। व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ नेक्स्ट? ये जी नंबर 1 का कार्ड है। ज़्यादा सोचने की बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, आपके पास कार्ड है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स का। अगर आप स्पेशली फायर साइन हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बोल दूँ, ज़्यादा सोचना नहीं है, लाइफ में न्यू बिगिनिंग आनी है, रोना नहीं है हमें, बस पैशनेट रहना है, अच्छे की होप करनी है आगे सिर्फ, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स वो चीज़ें जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपका पैशन है। अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करोगे ना, किसी के पास जॉब है या बिजनेस है, नहीं, समटाइम्स क्या, ऑलवेज यूनिक चीज़ें ही विन करती हैं। प्लेन आ गया था पीछे, आई एम सॉरी अगेन फॉर दैट। नंबर 1 का कार्ड यूनिक चीज़ें, यूनिकनेस कहाँ, आपका जो भी पैशन है। कंपेयर नहीं करें चीज़ों को, मेरा ऐसा है, सामने वाला ये करे तो मैं ये करूँ, उसकी लाइफ में ऐसा हो गया, मेरी क्यों नहीं है। खुद को जितना कम देखोगे ना, उतना आप लाइफ में पीछे जाओगे। सपोज अगर हम एक हाउस वाइफ है, सिंपल कुकिंग भी करते हैं ना, तो उसको बेहतर करें। आजकल तो टेक्नोलॉजी की वजह से लाइफ में इतनी चीज़ें हैं ना, कहीं पर भी एडवांसमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं आपकी, कुछ भी शुरू कर सकते हो, ब्यूटिशियन है, सिंपल आइडियाज़ हैं, कितना कुछ है, डांस म्यूजिक ये वो सब। इवन मेल्स के लिए मैंने देखा है, उनका ड्राइंग पेंटिंग बहुत अच्छा होता है, मैक्सिमम मेल मेंबर्स का। मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, कॉमेडी में बहुत अच्छे होते हैं। तो उन चीज़ों के ऊपर भी आपके जो साइड, जिन चीज़ों को अपने पैशन को, हॉबी को साइड कर दिया है ना, उन पे थोड़ा सा फोकस करें लाइफ में, ब्यूटी लेकर आने के लिए, हैप्पीनेस लेकर आने के लिए। हो सकता है वही चीज़ें आपकी ग्रो करें, आपकी नॉर्मल जो लाइफ चल रही है उसमें इतना नहीं हो, जितना आपका चार्म। मैंने पहले भी बोला था फायर है यहाँ पे, फायर आपका चार्म होता है, जितना रखेंगे ना आपकी लाइफ में उतने चेंजेस आएंगे, अच्छे चेंजेस आएंगे। और जितना आप छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हम लोग परेशान होंगे ना, क्योंकि जो चीज़ें हम जॉब, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, उसमें हमें हैप्पीनेस नहीं मिलती। अपना कोई भी पैशन ढूंढिए, उसके ऊपर वर्कआउट कीजिए। और कुछ लोग मुझे नीचे हो सकता है कमेंट बॉक्स में ये भी बोले कि मैम पता नहीं है हम क्या करें, मैं नहीं बता पाऊंगी, आप खुद देखेंगे उसको। अगर हम इतना नहीं कर सकते तो हम कुछ नहीं कर सकते। सोचें, जितना हम ओवर थिंकिंग में टाइम लगाते हैं ना, उतना कॉपी पेन लें और उसके ऊपर 10 चीज़ें सोचें, फिर 10 सोचें, हो सकता है उसमें से एक क्लिक करे आपको। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आज थोड़ा सा ना फिलोसफिकल टाइप की हो गई, मोटिवेशनल स्पीच टाइप की। खैर एनीवेज, अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, लाइक और सब्सक्राइब करिए। और एक ही का 6 ग्रुप रेडी है, जो लोग भी ऐड होना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं खुद को, दूसरों को, चक्रा को, अपनी कोई विश मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, दे आर वेलकम टू ज्वाइन। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, ठीक है जी, तो आप वहाँ से मैसेज कर सकते हो ज्वाइन होने के लिए। गुड लक आपकी इस ब्यूटीफुल रीडिंग के लिए, एंड आई हैव ए नाइस ब्यूटीफुल डे अहेड। थैंक यू आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स और आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ये ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी ये सेकेंड वाला चूज़ किया है, देखें भाई आपकी रीडिंग को क्या आ रहा है। चीज़ों से भागना नहीं है, एक्सेप्ट करना सीखना है,
दुनिया यहाँ तो हम यहाँ, आगे तो हम पीछे ही हैं, ऐसा नहीं करना है भाई, बाकी मुझे नहीं पता क्या आ रहा आपके उसमें। वाह भैरवी, आज भैरवी आई है ये। मैं फर्स्ट टाइम इस कार में इनके दर्शन कर रही हूँ, चाहे मैं पता नहीं शायद 15 रीडिंग कर चुकी हूँ, इसलिए इनको परिणाम बहुत 64। ये 64th लास्ट वाला वो है आपका कार। आपको लग रहा होगा अपने ही कार से कैसे अमेजिंग फील कर रही हो, क्योंकि कार आते ही नहीं है, सेम कार आते हैं कई बार। वो जो जो योगिनी साहब को मैसेज देना चाहती हैं, तो ये आज कार फर्स्ट टाइम आया है। मुझे नहीं पता, आई होप ये रीडिंग अच्छी हो रही है, रीडिंग मेरे लिए भी हो, क्योंकि मुझे इनको देख के बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। एकदम एकदम इतना कनेक्शन है ना इनके साथ फील हो रहा है, जैसे प्रेजेंस फील हो रही हो ऐसा है। इनकी आईज देखेंगे इतनी प्यारी हैं, इतनी लविंग कह लीजिए, मेस्मराइजिंग कह लीजिए, आकर्षित कर रही हैं। इनका जो बॉडी है, मतलब एक अजीब सी एनर्जी फील हो रही है मुझे इनको देख के, मीन्स बहुत ब्यूटीफुल से, जैसे मतलब जैसे इनको अपने पास रखूं, जैसे हर वक्त मेरे पास रहे। बहुत 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 ब्यूटीफुल एनर्जी है इस कार्ड के भाई, ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2, आपके लिए ये वाला कार्ड आया है, जिसकी वजह से मैं भी इनके दर्शन कर पाई हूँ। मैं नॉर्मली अपने कार्ड्स को खोल कर देखती नहीं हूँ, क्योंकि जब रीडिंग करनी होती है सिर्फ खाली मैं तभी इनको ओपन करती हूँ, जो आ जाए आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा रहता है। ठीक है जी, तो पहले तो हम चलेंगे इनके ऊपर। अच्छा वैसे इनका मीनिंग आपको वैसे बता दूं क्या है, टेरर, आतंक, हीरोइन, बिलीव मी शी इज हीरोइन। देखिए ना कितनी सुंदर है, इतनी सुंदर है ना ये। बाकी मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ, बट मुझे अब तक मैंने जितना भी योगिनी देखा है सबसे सुंदर मुझे ये लगी है। एकदम चबी, ब्यूटीफुल, प्लम्पी, और क्या मिस वेल कार्व्ड, और कितना, ठीक है छोड़ते हैं, नहीं तो यहीं शुरू हो जाएगा सब। ठीक है, हीरोइन, जैसे हीरो होता है ना, हीरो का जस्ट ऑपोजिट, जिनको किसी तरह को कोई डर और भय नहीं है, इसलिए भैरवी हैं, इनको कोई डर नहीं है। हमेशा इंस्पायर रहना है अपनी लाइफ में, हमेशा। एक ख़त्म दूसरा शुरू, एक काम ख़त्म, अच्छा ठीक है नहीं हुआ, ठीक है दूसरा तीसरा, रुकना नहीं है, थमना नहीं है लाइफ में, इनका ऐसा है। लाइफ में कितनी भी नेगेटिविटीज़ आ जाएं, साइड मेरा मतलब इनका एटीट्यूड ही ऐसा नहीं है कि वो मेरे ऊपर कोई इफेक्ट डाले। क्यों, इनके हिसाब से क्या है, गुड और बैड तो लाइफ का पार्ट है, तो ये तो आता रहेगा, मैं क्यों उससे खुद को अफेक्ट करूं। हाँ वाह, आपको अगर चाहते हो ना आपके पास यही वाली फियरलेस, यही हीरोइन, हीरो वाली फीलिंग आए, जैसे भैरव है एकदम, उन्हीं के एकदम ऑपोजिट भैरवी। भैरव नंबर 0 का कार्ड है, तो भैरवी 64। भैरव अगर शुरुआत से पहले शून्य का कार्ड है, जहाँ पे हमें कुछ नहीं पता क्या होना है, तो भैरवी है उसके एंड का, अब पूरा जर्नी सब कुछ देखकर ऐसे बैठे रहने का, देख लिया सब, एक्सपीरियंस गेन कर लिया, अब क्या, अब कुछ नहीं, पूरा एक पावर में, अपनी स्ट्रेंथ में उसमें आ जाना। वाह, अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा, स्पेशली आप जो ये लोग हो ग्रुप नंबर 2, आप लोग डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए बहुत बहुत लकी हो, चाहे ये भैरवी हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ना मुझे गॉडेस ऑफ फॉर्चून लक्ष्मी देवी की जो शुभ होती है ना, जो लोग काफ़ी शुभ होते हैं, वैसी फीलिंग यहाँ पर मुझे काफ़ी आ रही है, काफ़ी ज़्यादा। इनके मुझे पीछे के ओरास और कलर्स ही बहुत अट्रैक्ट कर रहे हैं, ज़्यादा होता जा रहा है भाई, छोड़ो, क्योंकि मेरे को लगता है अगर मैं शुरू हो गई तो ये 10 मिनट तक इन्हीं की चर्चा चलती रहेगी, बढ़ जाए। ठीक है चले, आहा 6 का कार्ड, ये रामायण के, आपको जानते हैं ये रामायण को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। क्या बुरा टाइम आए, जैसे प्लेन की आवाज आपको भी डिस्टर्ब करेगी रीडिंग में हमारी जी। 6 ऑफ सोर्स का रामायण का टाइम, जब राम जी, लक्ष्मण, सीता माता वनवास के लिए जाते हैं, उस टाइम के सम्राट जो हैं वो वनवास के लिए जा रहे हैं। सोचा नहीं है आगे क्या होगा, पर आगे पूरा युद्ध भी बाकी, इतना कुछ देखना पड़ा था, और उसके बाद भी जाने क्या क्या। पीछे देख रहे इन्होंने कैसे प्रिपरेशन करके रखी है, तलवारें पीछे हैं, हाथ में सिर्फ धनुष पकड़ा हुआ है, बो और एरो पकड़े हुए हैं अपने, सिंपल ड्रेस में, नहीं पता आगे क्या होगा, समुंदर या नदी के बीच में है। किस लिए जा रहे हैं, बुराई का अंत करने,
आप कहीं ना कहीं, आपका जो फियर है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर भी वो वाली पावर है बुरे टाइम से निकलने की। अगर बुरे टाइम में कहीं फंसे हो तो वहाँ से निकलने की, और आपके अंदर वो पावर है बुराई पर फतेह कर सके, जीत पा सके। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आएंगी, ऐसा नहीं नहीं आएंगी। एक आकर प्लेन के हाउस में जा चुका है तो आगे भी आएंगी। क्रम चक्र चलता है ऐसा। किंग ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आपकी लाइफ में जो इश्यूज हों किसी मेल पर्सन की तरफ से हों, मेल पर्सन की तरफ, नार्सिसिस्टिक मेल, डोमिनेटिंग मेल, कोई भी पर्सन, पहले था, अब था, कोई भी थे, फादर फिगर टाइप के कोई भी हो, आपकी ऑफिस में आपके बॉस हो या कोई भी हो जो आपकी लाइफ में ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट आपको निकलना है। आप हम्बल, कितने भी हम्बल डाउन सिचुएशन में क्यों नहीं हो, बट निकलना है इन चीज़ों से बाहर। क्यों? आपके अंदर पावर है, सीखना है लाइफ में। लाइफ क्या है? आगे बढ़ना, रुकना नहीं है। नेगेटिविटी को छोड़कर आगे बढ़ना। आगे क्या है? सूरज, सन। ये जो एक्सपीरियंस गेन कर रहे हो ना आप अपनी लाइफ में, यही आपको आगे जाकर एक स्ट्रॉन्ग पोजिशन देंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे आपको। जितना कोई इंसान लाइफ में हर्डल्स, प्रॉब्लम, तकलीफ देखता है ना, या तो लोग इतना देख के हार के टूट के बैठ जाते हैं, नहीं तो कुछ लोग बहुत स्ट्रॉन्ग जाकर अपनी आसन पर विराजमान हो जाते हैं। और आपको भी ऐसा ही करना है। लाइफ पाथ नंबर, मुझे पता नहीं क्यों आप लोगों का 6 लग रहा है, हालांकि इसमें ऐसा आया नहीं, दो कार्ड आए हैं, मैं नहीं लेने वाली ये वाला, हम एक एक करके लेंगे अभी। एक एक करके लेते हैं ना तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, ठीक है जी। नंबर 2, हो सकता है आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो, फिर से आपकी क्वीन ऑफ आ गई है भाई। सेल्फ लव, हमेशा लीडर बने, दूसरों के लिए किया, ग्रुप के लिए सोचा, फैमिली के लिए सोचा, सिर्फ दूसरों के ऊपर सोचा कि ये करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। क्या कभी अपने अंदर झांक के देखा है कि आपका एक्चुअल में दिल क्या चाहता है? दिल की कभी सुनी है आपने? नहीं सुनी है। दिल की सुनिए तभी खुश रह पाओगे, नहीं तो वही प्रैक्टिकल लाइफ, वही लोगों के लिए दिखावा रह जाएगा। स्पेशली अगर आप लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हैं, तुला, कुंभ, मिथुन, नहीं तो ये हमेशा प्रॉब्लम रह जाएंगी और आपको किसी ना किसी तरह की हमेशा नेगेटिविटी से डील करते रहना पड़ेगा। वो भी वही लोग, दूसरों के लिए तो इतना है, खुद के लिए नहीं है। आप चाहे दिखने में, बिजनेस, खुद की पर्सनालिटी में कितने भी अच्छे हों, पर लाइफ में कुछ ना कमी तो आप हम छोड़ रहे हैं ना। फियरलेस होना है। आप जैसे यहाँ पे फियरलेस हो, यहाँ पे फियरलेस हो, यहाँ पे भी फियरलेस हो। ये क्वीन कितनी फियरलेस है, आंखें देख रहे हैं आप इनकी, हाथ में स्टाफ पकड़ा हुआ है। नोबडी कैन कम इन फ्रंट ऑफ मी। ऐसे ही रहना है, वेलकम नहीं करने देना। सेल्फ लव में बिल्कुल रहना है, पर सेल्फ लव का हमें डेफिनेशन पता होना चाहिए। सेल्फिशनेस कभी भी सेल्फ लव नहीं होता। अगर आप खुश नहीं हो, उदास हो, परेशान हो, तो वो सेल्फ लव जो है वो कभी नहीं हो सकता। अकेले रहकर हम क्या कर सकते हैं लाइफ में? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चाहे अकेले आप अंदर से होते हो, मीन्स अकेला कि कोई आए कोई जाए फर्क नहीं पड़ रहा, पर क्योंकि भगवान ने हमें एक सोशल बीइंग बनाया है तो उसके हिसाब से तो हमें अपने आसपास एटलीस्ट, चाहे हम दो लोगों का, चार लोगों को, ट्रस्टवर्दी लोगों को इकट्ठा करें जिस पे हमें ट्रस्ट हो, जो हमारी हैप्पीनेस हो, वैसा तो हमें खुद ही करना है ना। भले ही हम कितने भी इंटेलिजेंट हैं, पर हमेशा हम भी इंसान हैं, हमें भी लाइफ में ज़रूरत है कुछ ऐसे लोगों की जो कि लविंग हैं, केयरिंग हैं, नर्चरिंग हैं, जो जिससे हमें फील हो कि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। हम समटाइम्स मनी, रिकग्निशन, फाइनेंस के चक्कर में सिर्फ अपनी एक ही लाइफ पर फोकस करते हैं, दूसरे के ऊपर ध्यान नहीं देते। फिर जो जब टाइम निकल जाता है तब हम क्या करते हैं? वी जस्ट रिग्रेट कि क्यों नहीं किया था, क्यों? तब बैलेंस नहीं था, ब्रेन में बैलेंस नहीं था। ब्रेन में बैलेंस रखना ज़रूरी है, ठीक है जी। अगेन लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस का कार्ड है। क्या एक्शंस लेना आपकी लाइफ में, जो भी चीज़ है ना, आप जहाँ से भी निकलना चाहते हो भाई, कहीं से भी, कुछ हो गया लाइफ में, परेशानी हो गई, छोड़ना पड़ रहा है किसी चीज़ों को, मन हैवी करके छोड़ना पड़ रहा है, निकलिए उन चीज़ों से बाहर। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप नहीं कर पाओगे, नहीं जीत पाओगे, तो आप आधी लड़ाई तो पहले ही हार चुके हो। अगर आप ऐसा सोचते हैं, आप नहीं कर पाओगे, तो आप पहली लड़ाई आधी हार चुके हो। कि एक्चुअल में देखा जाए, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पोजीशन में हो, सेल्फ लव में, पर आप खुद को यहाँ फंसा के रखे हुए हो
कि लाइफ में कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। जो पास्ट में हुआ था, हो सकता है वो हमारे कर्म फल हो, ऐसा क्यों नहीं लेके सोचते कि जरूर कुछ ना कुछ पास में रहा होगा जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है, या किसी की नेगेटिविटी रही होगी जिसके साथ ये सब हो गया। पर आगे एक्शंस लेना हमारे हाथ में है, कोई दूसरा नहीं आएगा। अगर दूसरों से हमें थोड़ा सा हेल्प का आप जरूर उम्मीद कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि हम वहाँ से एकदम, जो इंसान खुद के लिए देखे, अगर आप खुद को निकालेंगे नहीं तो भाग्य भी आपका क्या साथ देगा हम लोगों का। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किंग ऑफ पेंटिकल्स चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या मतलब स्टेबिलिटी लाइफ में आपका, दोनों तरह से कैसे, हर चीज चाहते हो, सुख सुविधा, प्यार, केयर, वार्म्थ, खुद को हम बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं कर सकते, पर एटलीस्ट हम इनको करने के लिए एक्शन तो ले सकते हैं कि नहीं मुझे ये वाला चीज चाहिए। फैमिली को साथ, फैमिली इन द सेंस क्या होता है, फैमिली का सेंस कभी भी ये नहीं होता कि जिनको हम मानते हैं ना, फैमिली ये जिनके साथ आप खुश भी रहते हो। क्यों मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, कुछ लोगों के लिए, जो लोग बोलते हैं हमारी फैमिली नार्सिसिस्टिक है, अच्छी नहीं है, कुछ लोग उसमें बहुत नेगेटिव हैं, तो आप ऐसा खुद का फैमिली जहाँ पे आप कुछ सीखते हो, करते हो, चाहे उसमें दो या तीन लोग हों, चार लोग हों, या बहुत सारे लोगों को ऑर्फेनेज है, कोई सोसाइटी है जहाँ पे आप सेवा कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, वहाँ पे आप इमोशनल फीलिंग सीख रहे हैं, वो भी चीज़ हो सकती है। यहाँ पे ब्रेन की एनर्जी काफ़ी मेरे को फील हो रही है कि आप अपने ही दिमाग से, जैसे कुछ लोग जूझ रहे हैं, कुछ लोग तो एकदम लो डाउन फील कर रहे हैं, और कुछ लोगों का जो है इंटेलेक्ट वो काफ़ी हाई है। सॉरी मेरा कैमरा यहाँ पे मुझसे ही वो हो गया। ठीक है जी, चलिए कार सीखें, और आपकी ग्रुप नंबर 2 क्या होता है ना, समटाइम्स हम इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं चीज़ों में, इंटरेस्ट लूज करना है, आके जो भी सोचना चाहते हो, करना चाहते हो, जिस भी जगह को छोड़कर आ रहे हो, और अगर सोच रहे हो कि क्या है वहाँ पे, कुछ होगा क्या, आप चाहें तो इसमें बहुत बहुत पोटेंशियल्स हैं, पोटेंशियल्स हैं, सिर्फ इतना विश्वास रखिए। और भैरवी योगिनी को वाव, यह बिल्कुल सही, अब तक आप उदास बैठे हो, सोच रहे हो क्या होगा नहीं होगा, क्या करूं मैं, बिल्कुल ऐसे कप्स की तरह पोजीशन में ये फीमेल सोच रही है, कितना ब्यूटीफुल पेंटिंग है ना, ये सोच रही हैं, आसपास कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये चार घड़े हैं, खाली हैं, पानी है, कुछ नहीं पता, बट इनके पास अभी कोई काम नहीं है सिवाय सोचने के, समझ नहीं आ रहा कहाँ शून्य में जो है गुम है, पता नहीं क्या करना है, लेजीनेस, ऐसे नहीं रहना है, क्यों, एक्शंस लोगे, पोटेंशियल जानोगे, इस एट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में आओगे। तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे, एट ऑफ वॉन्स की एनर्जी आ रही है आपकी, अरे ये तो आपको एक बार भी नहीं दिखे, क्वीन, सॉरी कैमरे का एंगल ही ऐसा करके रखा हुआ है हमने, ठीक है जी, ये देखिए आपकी क्वीन, एट ऑफ वॉन्स आना, एट ऑफ वॉन्स किसे ना, जितना सेल्फ लव के ऊपर सोचोगे, मेरा यकीन मानिए कार उठ के इसीलिए आया है यहाँ पे, नहीं तो नहीं आता ऑल ऑफ सडन नीचे। सेल्फ लव, खुद के ऊपर जितना फिलहाल फोकस करेंगे, कुछ स्टार्ट करिए, कुछ लाइफ में करिए, जिससे आप इस वाली पोजीशन पे आ सके, यहाँ पे ये वाली फीमेल से, दुखी, उदास, परेशान इंसान से आप ये वाली क्वीन में आ सके। हालांकि भले ही कुछ नहीं है, पर क्या है, हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, पावर है, बोल्डनेस है, खुद का ध्यान रख रहे हो, पहले से कहीं लाख गुना बेहतर हो। द फूल वैसे कार में क्या बताता है, आप जहाँ बैठे हो वहीं कार सोए हो, और आपको पीछे से कोई समझा रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है भाई, बहुत लंबे टाइम तक खुद को इस एनर्जी में नहीं रखो, परेशान हो जहाँ पे सिर्फ आपका ही नुकसान हो रहा है वहाँ नहीं रहो। अगर हम इसको राइडर वे टैरो डेक की तरह समझते हैं, तो आपने क्या करना है, फेथ रखना है, ट्रस्ट रखना है, फिर से उठो, जर्नी स्टार्ट करो, फिर से वर्क करो, एक बार सक्सेस नहीं मिलेगी, 2, 3, 4, 5, 6 हाँ कितना, अगर इतना नहीं मिलते सोचिए हम ही गलत है, पर ऐसा कभी नहीं हुआ हम ट्राई करें और हमें सक्सेस नहीं मिले, ऐसा कभी होता नहीं है। सक्सेस आपको मिलेगी, आप एक बार बस जर्नी स्टार्ट करें अपनी लाइफ में, काफ़ी आपकी स्पेशली लाइफ में काफ़ी कुछ है एक्सप्लोर करना, बोल्ड होना पड़ेगा, साहस हिम्मत रखनी पड़ेगी यहाँ पे आप लोगों को, ठीक है जी, और लेंदी नहीं करते हैं इस रीडिंग को, काफ़ी कुछ एक्सप्लोर होगा, करेंगे,
तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की है। लाइक और सब्सक्राइब करना। रेकी का 6 2 का डिस्क्रिप्शन जो है दिया है। खुद को हील करना है, दूसरों को हील करना है, चक्रा को बैलेंस करना है, कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना है आपको, रेकी उसके लिए सीख सकते हो। चार्जेस नहीं है, मिनिमल सा डोनेशन है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू आर वेलकम टू ज्वाइन। ठीक है जी, और गुड लक फॉर दिस ब्यूटिफुल रीडिंग एंड हैव अ ग्रेट डे हेड। और थैंक यू इन एडवांस आप लोगों के ब्यूटीफुल कमेंट्स के लिए, आप लोगों के ब्लेसिंग्स के लिए। बाय बाय। ये ग्रुप नंबर 3 जिन्होंने भी आपका ये थर्ड पाइल चूज किया है, देखें आपके कार किसी नई चीज की शुरुआत की तरफ है। ऐसा धीरे ही सही क्यों ना, पर ऐसा है क्योंकि चीज़ें क्लियर है। इतना अभी डर नहीं है आपको, वहाँ डर नहीं है, फियरलेस हो, सिक्योरिटी है। जो भी स्टार्ट करना चाहते हो, आपको लगता है ये सेफ है, तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से करना चाहते हो। ये आज एक और नए कार्ड के दर्शन हुए हैं, जय सेकंड पाइल में और थर्ड पाइल में, बहुत टाइम के बाद। ये तो कुछ कार्ड सेम साथ आते थे और मैं सोच भी रही थी कि नहीं, कुछ तो डिफरेंट हो। और इनका आप एक चीज़ स्ट्रेंज देख रहे हो कि मुझे आप लोग ना ट्राइबल साइड से लग रहे हो, जहाँ पे पेड़, जंगल, पौधे, रिवर, उस साइड से लग रहे हैं आप लोग मुझे। ओडिशा, वेस्ट बंगाल और साउथ इंडियन, मतलब जहाँ पे ना ये वाली ज़्यादा चीज़ें, मीन्स इस टाइप का आपका विलेज साइड से भी हो सकते हो, या आपका टच ज़्यादा है रूरल साइड का। बहुत ब्यूटीफुल सा फीलिंग है, ऐसा शामन टाइप की एनर्जीज है, शामनिक या ऐसी बैकग्राउंड फैमिली से, ये शामन टाइप की योगिनी है भाई। मेरे को इनको जो देखकर समझ नहीं आ रहा है, योग उपचार करना, दूसरों की हेल्प करना, चीज़ों को ना कुदरती तरीके से, एकदम डिफरेंट हटके तरीके से, कोई चीज़ मारा, जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल की, नेचुरल तरीके यूज़ किए और ठीक कर दिया। अब ये क्या ठोक रही हैं इसके सांप के आँख के अंदर, क्या तरीका है, नागमणि निकालना है क्या इसमें से, मुझे नहीं पता कि ये क्या है। बट नंबर 8 का कार्ड है। नंबर 8 का कार्ड ना वैसे बहुत ही प्रोमिनेंट माना जाता है, कर्म करने का कार्ड होता है भाई। ये आपका कर्म करने का कार्ड है, वो भी कैसे कर्मास को ना समझना इतना इजी नहीं होता। कुछ लोग बोलते हैं क्या हम अगर ऐसा करेंगे तो हमारे ऊपर दोष आएगा या बुरा होगा या अच्छा है, मैंने क्या अच्छा है, हम नहीं जज कर सकते इस चीज़ को। इसका अथॉरिटी जिनको मिला हुआ है वही जज करते हैं आपको। कर्म अपने हिसाब से जो हमको समझाया गया है, विष्य हरम, विष्य, विष्य क्या होते हैं, विकार, बुरी चीज़ें, है ना, बुरी चीज़ें, विष्य, उनसे दूर रहना, हरम दूर रहना उनसे, तभी तो ये स्नेक क्या होता है, ओवरली अटैचमेंट्स, बैड अटैचमेंट्स किसी भी चीज़ के लिए, ऑपोजिट पर्सन के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, खाने के लिए, लेजीनेस, कुछ भी, मोबाइल चाहे कुछ भी चीज़ें क्यों नहीं हो, मेकअप के लिए कुछ भी, चुगली करना, मैं बुरे चीज़ में नहीं लेना है इसको, किसी भी तरह की रोना धोना, कुछ भी परेशान किसी भी पर्सन से, उन सबको ख़त्म करना। ऐसे ही एक स्टोन का पत्थर उठाया, उसके अंदर मार रहे हैं कि ख़त्म। डिस्ट्रॉयर ऑफ अटैचमेंट्स हैं ये योगिनी की, अटैचमेंट्स को, ओवरली अटैचमेंट्स, बैड अटैचमेंट्स को लाइफ में ख़त्म करना है। क्यों? क्योंकि ये शरीर में किसकी तरह होती हैं, पॉइजन की तरह, जो आपकी धीरे धीरे करके आपके अंदर की ताकत, पावर, शक्ति को ख़त्म करती हैं, बॉडी को नीला, मीन्स जहरीला कर देती हैं, आप बीमार हो जाते हो, कुछ करने के लायक नहीं रहते। लाइफ में जो कुछ होना होता है ना, वो आपके लाइफ पे असर आ जाता है उस चीज़ का। तो ऐसा हमें नहीं रहना है, ठीक है जी। हो सकता है आप ग्रुप नंबर 2 के बाद ग्रुप नंबर 3 पर आए हों, बट ऐसा नहीं है कि हमें रियल लाइफ में अच्छी चीज़ों से अटैचमेंट नहीं रखनी, अपनी हेल्थ से, करियर से, परिवार से, अच्छे काम करने से, अच्छे कर्म से, अपनी बॉडी का ध्यान रखने से, हेल्दी बॉडी से, इन चीज़ों से अटैचमेंट्स बिल्कुल आपको रखनी है। कैसे कर सकते हो? खुद को रिलैक्स करिए, प्रेयर्स करिए, सोचिए खुद के, स्पेशली अगर कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं, मैं ये चीज़ यहाँ नहीं बोलना चाहती, स्पेशली जिन लोगों के वो अफेयर्स हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या ऐसी चीज़ें जो कि आपको पता है अनहेल्दी हैं, जहाँ पे आपका आगे कुछ भी नहीं होगा, तो वो चीज़ें सिर्फ आपकी लाइफ को किल करेंगी। यहाँ पे अपना ध्यान रखें, इमोशनल क्रेविंग्स की तरफ ज़्यादा किसी के लिए इमोशनली क्रेव नहीं करें, आप अपनी लाइफ में आगे प्रोग्रेस को धीरे धीरे करके ख़त्म कर रही हैं, ठीक है जी।
खुद के ऊपर ध्यान दें, क्योंकि आप खुद बहुत ही पावरफुल हो। कुछ चीज़ें आप जब सोकर उठते होंगे आप बहुत रिलैक्स फील करते होंगे, सोचते होंगे कि नई लाइफ में अब ऐसा आगे मुझे कुछ नहीं करना, पर फिर से आपके जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं ना वो फिर से वहीं पे, मतलब वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, आप खुद कुछ से अच्छा नहीं कर रहे हो। खैर इस कार्ड में बहुत कुछ है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगी, हो सकता है कुछ लोगों के इमोशंस को हर्ट हो। खुद के दिमाग को कंट्रोल में करना चाहते हो तो कॉन्च बेल डमरू इन सब के साउंड को सुनो, क्योंकि ये साउंड जो है अंदर से नेगेटिविटी को हटाकर अंदर पॉजिटिविटी लेकर आती हैं। दूर रहे कुछ अनहेल्दी चीज़ों से जो कि आप जानते हो। कुछ भी देखिए, अच्छी चीज़ें अच्छा रिजल्ट लाएंगी, बैड चीज़ें बैड रिजल्ट लाएंगी, फिर बाद में हमें रोना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। विषयहारम विष्य ओवर अटैचमेंट्स किसी से भी हैं ख़त्म करना है उनको, नहीं तो वो हमारे कर्म बन जाएंगे। नंबर 8 भी आया है ना यहाँ पे, जब कर्म बन जाएंगे तब आप उनको बोलोगे मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहे। कोई भी है, मैं मुझे नहीं पता इस रीडिंग को बड़े देख रहे हैं, मेरी एज के देख रहे हैं, मुझसे छोटे देख रहे हैं, समझ सबकी अपनी अपनी है, अपनी समझ के हिसाब से हमें सोचना है, चलना है। रूप नंबर 3 ठीक है जी, या नंबर 10 का कार्ड, ख़त्म करना चीज़ों को, बैड एड सेंडिंग्स होना, बुरी तरह से ख़त्म होना। चाहे कुछ चीज़ों को आपको पेन फील होगी, तकलीफ होगी करते हुए, करना पड़ेगा। अगर हो चुका है तब भी जो चीज़ें लाइफ में ख़त्म हो चुकी हैं, या तो चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा अनहेल्दी अटैचमेंट्स को, और जो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं उनसे बाहर निकलना पड़ेगा। उसके क्या कर सकते हो उसके अलावा, जो चीज़ ख़त्म हो गई, सपोज जो चीज़ एंड हो गई, कोई चीज़ थी, सपोज कुछ आप लेकर आए, सड़ चुका वो, गल चुका, उसको रखेंगे स्मेल हो जाएगा, दिक्कत होगी, परेशानी होगी, सब कुछ परेशान करेगा। बेटर है उसको क्लीन करें, नई लाइफ स्टार्ट करें। जैसे ये पीछे डेजर्ट देख रहे हो ना, ये वीरान पड़ा है यहाँ पे, इसको कोई ठीक करने वाला नहीं है, जो करने वाला था वो ख़त्म है। यहाँ पे आपको यहाँ पे रोल प्ले करना है, यहाँ पे फिर से सीड्स लगाने हैं, पानी देना है ताकि नए पौधे उग सकें, लग सकें, फिर से हरा भरा आए। या तो कुदरत की तरफ से होगा कि भगवान जब बारिश भेजेंगे तो ये हरा भरा होगा, नहीं तो आपको अपने मेहनत करनी पड़ेगी। हमारी की हुई मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं होती। लाइफ के फ्लो को रोके नहीं आप, ग्रुप नंबर 3, लाइफ को रोकना नहीं है, आगे बढ़ना है, पावर में जाना है अपनी। लाइफ कभी भी रुक कर चली है क्या आज तक किसी की? नहीं चलती, ना चलेगी। इसलिए पेन फील नहीं करना, जो जो होना था शायद वो डेस्टाइन था, लिखा हुआ था। रिग्रेट नहीं करना है, पर आगे भी संभल कर और समझदार रहना है। ख़त्म नहीं हुआ है, अभी पूरी जर्नी आगे पड़ी है। सेम कार्ड आए हैं बिल्कुल, बट मैं ये कहीं ना कहीं ग्रुप 2 से अटैच्ड है ये वाली आपकी पाई, बिल्कुल ये फिर से आ रहे हैं कार्ड, मैं फिर से लूँगी फिर इनको। 8 का कार्ड है, एक मिनट, प्लेन की आवाज़ है, लेट मी। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो चीज़ ख़त्म हो चुकी है वहाँ से निकलना है। 8 का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है जी। क्या करना है, कोई मैसेजेस, अपॉर्चुनिटीज, न्यूज़ का आना, हीलिंग करना, खुद को इन्हीं चीज़ों से खुद को हील करना। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीज़ें होनी ज़रूरी थी, क्यों? ताकि फूल का कार्ड है, फूल का कार्ड, चाहे भले ही आपको अभी इस कार्ड को देखकर ऐसा लगे कि एक पर्सन जो है यहाँ पे खुद को डिस्टर्ब कर रहा है, खुद को गिरा रहा है, गलती कर रहा है, गलती करने से खुद को यहाँ पे बचाना है, आपको यहाँ पे अलर्ट किया जा रहा है ताकि आप आपकी जो नई लाइफ है उसको आप अच्छे से शुरू कर पाए, पुरानी चीज़ों के साथ अटैच्ड नहीं रहें। लाइफ में न्यू बिगनिंग्स करना बहुत ज़रूरी है, फेथ रखना है, बट पुरानी चीज़ें ख़त्म करके उन पर अभी और बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना। कुछ भी था, पुरानी सोच ही क्यों नहीं हो, सपोज आप पुरानी सोच के साथ है, पुरानी नेगेटिव फीलिंग्स के साथ है, पर नेगेटिविटी नेगेटिविटी को आगे अफेक्ट करेगी ना, तो नेगेटिव चाहे वही चीज़ें सेम है बट नेगेटिविटी को ख़त्म करके आपको आगे पॉजिटिविटी से किसी भी चीज़ की लाइफ में अपने शुरुआत करनी है यहाँ पे। चलिए आपके देखते हैं हम और कार्ड्स, ग्रुप नंबर 3। ये है आपका चैलेंज कार्ड, एग्जैक्टली चैलेंज कार्ड, जब मैंने आपको ये बोला तो बिल्कुल ये चैलेंज कार्ड है, क्योंकि डेविल का कार्ड है, नंबर 6 का कार्ड है ये, ठीक है जी। कुछ लोगों के लिए नंबर 6 उनका लाइफ पाथ होता है, पर डेविल को, कुछ ऐसे कार्ड को नंबर 6 से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि चीज़ों को ओवरकम करना इतना ईजी नहीं है। अगेन बुरी आदतें, अनहेल्दी अटैचमेंट्स, लेजीनेस,
अनहेल्दी रिलेशनशिप किसी के साथ भी कहीं पे भी फंसे होना, निकल नहीं पाना, ओवरकम करना है आपको खुद से, उन चीज़ों को ख़त्म करना है, लाइफस्टाइल को चेंज करना है, सोच को चेंज करना है, खुद से फाइट करना है इन सब चीज़ों से, अपनी पर्सनल लाइफ में ये सब चीज़ों को हटाना है। चाहे आपकी किसी के साथ खुद की लाइफ में रिलेशनशिप है, दूसरों के साथ है, कहीं पे भी अनहेल्दी चीज़ों का ना रिजल्ट बुरा ही होता है। यहाँ पे भी देखोगे नंबर 6 का कार्ड है। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये मैं आपको कार्ड कुछ बताना चाहती हूँ। वाओ देखिए 666 का एनर्जी कितना आ रहा है आपके उसमें, है ना। तो डेफिनेटली 6 नंबर हो सकता है आप लोगों के लिए प्रोमिनेंट हो। ये भी नंबर 6 का है, ये भी नंबर 6 का है। मैं इसको लेना चाहूँगी और इसके बाद मैं कार्ड शफल नहीं करके मैं आपके लिए ये जजमेंट के कार्ड को लेना चाहूँगी। तो ग्रुप नंबर 3, एक चीज़ बताइए, ये जहाँ नंबर 6 पे डेविल था, तो यहाँ पे नंबर 6 पे लवर कैसे हो गया? जो चीज़ जैसी दिखती है वैसी होती नहीं है, चाहे वो चीज़ें एक जैसी हों, पर फ़र्क होता है प्योरिटी का और नकली, असली और नकली का पहचानना आपको है। जहाँ यहाँ पे नंबर 6 में लवर्स हैं, अच्छी चॉइस जो आपकी लाइफ को आगे जीवन देती हैं, आगे बढ़ाती हैं, आपकी अच्छी चीज़ों को चूज़ करना, अपॉर्चुनिटीज़ को मिस नहीं करना, वहीं आपकी बैड चॉइस आपकी लाइफ को एकदम से क्या कर सकती है, नर्क बना सकती है, बुरा लाइफ में अफेक्ट डाल सकती हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको कहाँ अपनी फीलिंग्स को इन्वेस्ट करना है और कहाँ आपको आपकी फीलिंग्स को छोड़ना है, ये टोटली आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। ये देखिए जहाँ पे अगर आप इस कार्ड में देखेंगे, ये जो है ये दान कर रहे हैं, दान किसको, इक्वल रूप से सबके पास एक एक ही क्वाइन दिया जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना, जहाँ पे जो चीज़ देने की है और देने की नहीं है, कहीं ज़्यादा कहीं कम, आपको यही नहीं पता अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करना है, तो डेफिनेटली आप इस चीज़ को बाद में किसी को भी ये नहीं बोल सकते कि जो लाइफ में प्रॉब्लम्स आई हैं वो आनी ही हैं। क्यों? क्योंकि हम सही नहीं चल रहे। अगर हम सही नहीं चल रहे हैं तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं लाइफ में अच्छा होगा? हो सकता है कुछ लोग इसमें से बहुत समझदार हैं, पर फिर भी उनकी कुछ ना कुछ ऐसे हेल्दी अटैचमेंट्स हैं जो कि यहाँ पे इनको परेशान कर रही हैं। ठीक है जी, मैं यहाँ पे ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्चुअली देख रही हूँ, आपको मुझे कुछ दिखाना है तो मैं उसे देख रही हूँ, मुझे मिल नहीं रहा, लेट मी से इट फॉर यू। जी ग्रुप नंबर 3, मैं नहीं सर्च कर पाई अभी उसको, हालांकि वो हमेशा चीज़ मेरे सामने रहती है। खैर मैं आगे रीडिंग में बिल्कुल शो होगी। तो एक और चीज़ अगर आप हम इस चीज़ से देखें ना, देखिए यहाँ पे बॉटम ऑफ द डक क्या है, पेंटिकल्स, क्या फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्या जहाँ जो ज़रूरी काम था वहाँ पे उसका नहीं किया जाना जो कि आप लोग अभी कर रहे हो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, आप ज़रूरी काम की चीज़ें छोड़कर फालतू की चीज़ों में बहुत ज़्यादा ओवरली सोच रहे हो, डूबे हुए हो किसी ऐसे काम में। यहाँ पे 666 का भी कार्ड है क्या, जहाँ ज़रूरत है वहाँ करे। जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ दे रही हूँ, अगर आप इस फीमेल को देखोगे, वैसे जस्ट आपको एग्जाम्पल 1 2 3 4, यहाँ पे 6 पॉइंट्स हैं और यहाँ पे 5 पॉइंट्स हैं। ये लोग बाहर बैठे हुए हैं, धूप में, बारिश में, बुजुर्ग है, घर से बाहर निकाला हुआ है। यहाँ पे तो हमारा ध्यान नहीं है, बट हमारा ध्यान यहाँ पे सेवा करने में है, दिखावे में, और खुद कितने अच्छे से वेल ड्रेस्ड हैं। अगर हम कुछ ऐसे कर्म कर रहे हैं ना, उसका फल हमें ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा, क्योंकि एंजल्स चाहते हैं हम खुश रहें। ये जो आपका नंबर 6 है ना, बेसिकली 666, अपने सोच विचार को एनालाइज करना है, एक्शंस के ऊपर देखना है हम क्या करने जा रहे थे, हमें करना क्या था, एनालाइज करें, उसके अकॉर्डिंग काम करें। क्यों? क्योंकि एंजल्स वैसे आपको चाहते हैं कि आप खुश रहें, पर ओवरली अटैचमेंट्स की वजह से, ऐसा तो नहीं कि आप पूरा फोकस अनहेल्दी अटैचमेंट्स की तरफ देखकर अपनी लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे हो, जो कि ऐसा इस कार्ड में है। आप किसी भी जर्नी में हो, अब कुछ लोग बोलेंगे हम इस जर्नी में हैं उसमें है ना, फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हो तो लाइफ में रिजल्ट्स भी वही आएंगे फिर आगे आपके। अगर इन कार्ड को हम दोनों को देखें, फिर से नंबर 6 है, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सिर्फ एक ही चीज़ के बारे में ऊपर नहीं सोचना है, दूसरी चीज़ों को भी फोकस करना है, ध्यान रखना है, दोनों एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना है, अच्छी और बुरी, डेविल और देव की एनर्जी, डेविल और डीमंस, डेमी गोड्स की एनर्जी को बैलेंस आपने ही करना है, किसको रखना है, किसको निकालना है। कुछ लोग तो यहाँ पे इस भ्रम में भी होंगे कि वो ट्विन फ्लेम की जर्नी में है, ऐसा कुछ नहीं है।
समटाइम्स चीज़ें एक जैसे ही दिखती हैं. ऑल ग्लिटर्स दैट शाइन डजंट मीन दैट दैट इज गोल्ड. हाँ देखिए अगेन आपके लिए ये कार्ड आया है, ब्यूटीफुल कार्ड. क्या है? पेज ऑफ कप्स. मैंने क्या बोला? बंजर जमीन में फिर से पौधे लगाओ, और आप लगा रहे हो. क्यों? समझदार लोगों की निशानी है ये. देखिए आप फिर से अपनी लाइफ में एक न्यू चीज़ों को वेलकम कर रहे हैं. पहले जहाँ ये पीछे इस कार्ड में कुछ भी नहीं था, आप यहाँ पे सूरज है, यहाँ रात थी, यहाँ पानी है, ज़मीन है, रेगिस्तान नहीं है यहाँ पे इसकी तरह. आप फिर से एक पौधा लगा रहे हो. आपके पास खड़ा है पानी भरकर लेके आने का, हाथ में भरकर नहीं लाना, जो कि बहुत मुश्किल होता है. बिल्कुल वेरी वंडरफुल, आप इन चीज़ों से सीख रहे हो. ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी. आप इस रीडिंग को ज़रूर बहुत लोग एक्सेप्ट करेंगे. देखें आप लाइफ में नई चीज़ को वेलकम कर रहे हो. जिसको आप लाइफ का अपना पार्ट सोच रहे हो वो नहीं है, डेविल की एनर्जी है वो. देखिए एक चीज़ आपने देखा, 10, 10 और 10, 9 और 1 10, 0, 20, 6 की एनर्जी निकाल दो, नहीं तो कर्मास अफेक्ट करेंगे, गिरोगे जोर से धड़ाम. जो नहीं करना. आपने जैसे ही छोटा सा प्यार से अच्छे से पौधा लगाया अपनी गुड इंटेंशंस के साथ, वहीं पे आपको मिल गई कृपा, और वहीं पे क्या हो गया, भाग्य का आपके साथ में आना. सूर्यदेव, एक्शंस लेना, आगे बढ़ना, रोशनी दिखाना, रोशनी मिलना. रोशनी मिलने के साथ क्या हुआ, आपका लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून का, भाग्य चक्र का आपके फेवर में जाना. ये भाग्य चक्र जो है आपके फेवर में जा रहा है. बट आपको ये चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको छोड़ना पड़ेगा. और इस बात कार्ड पे तो हमने चर्चा ही नहीं की, नंबर 20 जहाँ पे भगवान, अगर आप देखेंगे सीन कौन सा है महाभारत का, जहाँ पे कृष्णा अर्जुन को जीत का पहले से ही शंख बजा चुके हैं. उसके बाद पता नहीं क्या कुछ हुआ, बट हमें पता है विक्ट्री होगी. किसकी होती है? बुराई की. ये कार्ड यहीं पर ही है, अच्छाई और बुराई दोनों आमने सामने हैं, पर जीत किसकी होनी है? अच्छाई की. कुछ चीज़ें हमारे अंदर होती हैं, अच्छाई बुराई दोनों. अगर ये आपके अंदर चीज़ें हैं तो बुराई चीज़ें बुरी हैं तो आप हारोगे ही, और अगर ऐसा कोई और आपके साथ करता है तो डेफिनेटली आप अच्छे हो तो आपकी जीत होगी. तो यहाँ पे घबराना नहीं है, भाग्य चक्र आपके फेवर में जाएगा. तब से जैसे आप अनहेल्दी अटैचमेंट्स, कुछ भी लेजीनेस, कुछ भी है भाई, चाहे नेगेटिविटी, एनीथिंग, आप इतने हम सब समझदार हैं कि हम क्या चीज़ चाहते हैं, क्या चीज़ मिस कर रहे हैं, फिर उसके बाद आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ना, फिर होगी वो. और जानते हैं हम लोग कि ये चीज़ क्या है. इस रीडिंग को ठीक है और बहुत लेंदी नहीं करते हैं, हालांकि बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है. ये थी आपकी रीडिंग. लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अब थैंक यू आप लोगों की ब्लेसिंग्स और काइंड कमेंट्स के लिए. रेकी का 6 ग्रुप बनने जा रहा है. खुद को हील करना, दूसरों को हील करना, विश को मैनिफेस्ट करना है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, जो भी चाहे आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं. यू ऑल आर वेलकम, और हैव अ नाइस ब्यूटीफुल डे अहेड.